Yes, so now starts the exercise number 1.2. The question number 1 is represent these numbers on the number line. हमें यहाँ पे जो numbers दिए हैं उसे represent करना है number line पे. The first number है हमारे पास that is 7/4. So first we start with the 0, then 1/4, 2/4, 3/9, 4/4. 4/4 मतलब कि यहाँ पे कौन सा number होगा? That is 1. तो 4 and 4 को हम कट करेंगे तो यहाँ पे number आएगा 1. So ये हो गया 0 to 1. Now 5/4, 6/4, 7/4. 7/4 यानी कि हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो नंबर कौन सा है? दैट इज 7/4. एंड यहाँ पे 8/4, तो इसको हम कट कर देंगे. 4 2 8 4 4 कट, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 2. सो 7/4 हम कह सकते हैं, 7/4 जो नंबर है वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा? दैट इज 1 and 2. सो नाउ सेकेंड दैट इज -5/6. सो -5 यहाँ पे नेगेटिव नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था तो 0 के इस तरफ था ना, ये नेगेटिव नंबर है तो ये 0 के इस तरफ आएगा. सो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, देन -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 एंड -5/6. और हमें नंबर कौन सा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है? दैट इज -5/6. तो यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट हो गया -5/6. हम यहाँ पे 6 कट हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? -1. यानी कि -5/6 है वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा? दैट इज 0 and -1. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन. ये तीन नंबर्स जो है इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और तीनों के डिनोमिनेटर्स में क्या है? 11. सो नेगेटिव नंबर्स है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, 0, -1/11, -2/11, -3/11. तो फर्स्ट हमारा जो रिप्रेजेंट करना था वो नंबर मिल गया, दैट इज -2/11. देन -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, एंड थर्ड वन इज -9/11. देन -10/11, 11/11 कट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा -1. सो वी कैन से कि दोनों ये तीनों नंबर्स जो है वो 0 से -1 के बीच में रिप्रेजेंट होंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. 2 से स्मॉलर 5 रेशनल नंबर्स कौन से हैं वो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमें जो नंबर लाइन होती है उसके इस तरफ जो नंबर्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं और इस तरफ जो नंबर होते हैं वो बिगेस्ट नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पे हमने 2 स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो हमने इस तरफ लिखे हुए 2, देन 1, 0, -1, -2, -3 एंड -4. सो 2 से स्मॉलर देन नंबर्स कौन से हो जाएंगे? हमें कितने नंबर्स यहाँ पे पूछे हैं? 5 रेशनल नंबर्स पूछे हैं. तो कौन से हो जाएंगे? दैट इज 1, 0, -1, -2 एंड -3. 1, 2, 3, 4 and 5. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. इन दोनों के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स आते हैं वो फाइंड करने हैं. तो हम क्या करेंगे? इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, लाइक दैट. सो 2 2s are -4 एंड 2 5s are 10, देन 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10. तो इन दोनों के बीच में अभी कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए. सो -4/10 एंड 5/10 नहीं लेना है बिकॉज हमें इसके बीच वाले नंबर्स लेने हैं. तो -4/10 के बाद कौन सा नंबर आएगा? दैट इज -3/10, -2/10, -1/10, देन 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. अभी 4/10 के बाद क्या आ जाएगा? 5/10. तो 4/10 के बाद मैंने क्या लिया है यहाँ पे? 4.1/10 एंड 4.2/10. अब यहाँ से हमें पॉइंट जो है वो रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 41. अभी 1 डेसिमल प्लस है, हमने रिमूव किया तो अपन में हम एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 41/100. सेम सेकेंड में भी वैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42/100. राइट, सो 10 रेशनल नंबर्स वो कौन से हो जाएंगे? दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर फोर की हेल्प से आपको क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सेवन करने हैं. ओके, सेम इसके जैसे ही है, उसमें रेशनल नंबर्स ही फाइंड करने हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज राइट फाइव रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन माइनस टू. यहाँ पे जो था वो स्मॉलर देन था टू से. अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ग्रेटर देन माइनस टू, यानी कि माइनस टू से फाइव बड़े वाले रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट अभी ग्रेटेस्ट नंबर है तो वो इस तरफ आएगा ऑब्वियसली. सो माइनस टू के बाद आएगा माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर. सो हमें कितने फाइंड करने हैं, फाइव. तो कौन से आएंगे, माइनस वन, जीरो, वन, टू एंड थ्री. सो दिस आर द एक्सरसाइज नंबर 1.2. थैंक यू.